एक शिष्य है, वो निरंतर गुरु की सेवा कर रहा है और उस शिष्य का एक ही गोल है कि उसे ईश्वर देखना है। वो गुरु को हर बार बोलता है कि गुरुजी मुझे ईश्वर देखना है। गुरुजी कहते हैं कि तुम निरंतर ईश्वर की सेवा करो, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। और वो निरंतर सेवा कर रहा है, नामस्मरण कर रहा है, ध्यान योग सब तपश्चर्या कर रहा है, उसे ईश्वर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाद में कुछ दिन होने के बाद में वो वापस वो गुरु के पास जाता है और गुरु को पूछता है कि गुरुजी मैंने मुझे तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं। तब गुरुजी उनको कहते अब तुझे मरना होगा। वो शॉक हो जाता है, क्या? हाँ, जब तू मरेगा तो ही तुझे ईश्वर दिखेंगे। ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोल। और जो गुरुजी है उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और वहाँ उसका वो प्राण निकल जाता है और वो प्राण स्वर्ग की तरफ निकल जाता है। स्वर्ग के तरफ जा रहा है, जा रहे जा रहे, तो वहाँ देख रहे थे बहुत सारे लाइन है, बहुत सारे लोग हैं और लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग लाइन में है। पर इसका टारगेट था कि ईश्वर को देखना है, तो इसको लाइन में लेने की जरूरत नहीं है। और वो बाईपास होकर वो दरवाजे के पास जाता है, वहाँ जो द्वारपाल है उनसे जाकर कहता है कि मुझे स्वर्ग के अंदर या नरक के अंदर नहीं जाना है, मुझे यहाँ ईश्वर को देखना है, मुझे ईश्वर कहाँ मिलेंगे दिखाओ। वहाँ जो सामने पत्थर है वहाँ जाकर बैठो, आपको वहाँ से ईश्वर दिखेंगे। और वो जाकर बैठता है और वहाँ थोड़ी देर के बाद में बहुत लोग आते हैं और उसके सामने एक व्यक्ति जा रहा है और उसके पीछे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं। और आगे 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 तेजस्वी है व्यक्ति और आगे 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 जा रहा है, को उसे लगता है कि यही ईश्वर होगा। तो उस जहाँ वो बैठा हुआ होता है उसके बाजू में भी कुछ लोग बैठे हैं, तो उनसे पूछता है कि ये जो जा रहे हैं वो ईश्वर है क्या? वो व्यक्ति कहते नहीं नहीं, वो ईश्वर नहीं है, वो यीशु ख्रिस्त है और उसके चाहने वाले लोग पीछे हैं। ये अच्छा, ये ईश्वर नहीं है। कुछ क्षण जाने के बाद में वापस आगे तेजस्वी जा रहे हैं और पीछे से बहुत लोग, लाखों लोग देख रहे हैं। तो वापस पूछता है कि ये ईश्वर है क्या? बोले नहीं, ये मोहम्मद है और इनके चाहने वाले लाखों लोग हैं। अच्छा, ये भी ईश्वर नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद और एक तेजस्वी आगे जा रहा है, वापस लाखों लोग पीछे हैं, वो तो लगता है यही होगा शायद। तो वापस उसे पूछते हैं ये है क्या? तो ये नहीं, ये तो गोविंद बुद्ध है और उसके लाखों चाहने वाले आगे पीछे हैं। कुछ क्षण के बाद और एक व्यक्ति आता है तेजस्वी और उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो बोले ये है क्या? नहीं, ये तो राम है और उसके चाहने वाले बहुत लोग पीछे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं तो कोई भी नहीं आता, बहुत समय बीतता है और वो थक जाता है लोगों को देख देख कर। और कुछ क्षण के बाद में एक व्यक्ति ऐसा फटा कपड़े हुए वो पास होता है, उसके बॉडी के ऊपर बुरा जख्म हुई है और वो चल रहा है, कोड़े हुए हैं शरीर के ऊपर और वो जा रहा है। अरे ये आदमी कौन जा रहा है, अकेला ही जा रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला है। इतने लोग गए पर अभी तक ये तो लास्ट में जा रहा है अकेला। बाद में वो पीछे जाकर बैठता है तो वापस लोगों के को बोलता है कि अरे बहुत टाइम हो गया, अभी ईश्वर को मैं देखने के लिए आया हूँ, अभी ईश्वर मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो वो व्यक्ति, अरे तुम ईश्वर अभी तो ईश्वर गए, वो तक जा रहे ईश्वर, तो वो ईश्वर है। वो भाग के भाग के भाग के भाग के जाता है उसके पास और उसके ईश्वर के पैरों में जाकर गिरता है। ईश्वर मैं आपको मिलने के लिए आया था, तो यह आपका ये क्या रूप है, आपने ये ऐसा क्या रूप बना के रखा है, मैंने आपके लिए क्या क्या इमेजिन किया था, आप ऐसे होंगे वैसे होंगे वैसे होंगे, तो आप ये ऐसे। तो ईश्वर बोलते हाँ अभी मैं मेरे में है ही नहीं, अब मैं आपके अंदर गया हूँ और मैंने और मेरे अलग अलग रूप अब बाहर अभी गए हैं, अब लोग मुझे नहीं जान रहे और मैं यहाँ हुआ भटका हुआ नहीं, ये मैं आपके अंदर ही बसा हुआ हूँ और उसका प्रतिरूप मैं आपको दिख रहा हूँ। और कुछ क्षण के बाद मैं वहाँ से निकल जाने वाला हूँ और थोड़ी देर के बाद
वहाँ से उसकी जो जो व्यक्ति था वहाँ से वो अदृश्य हो जाता है। बाद में उस व्यक्ति को समझ में आता है कि अरे मैं ईश्वर को तलाश रहा था, पर ईश्वर ने मुझे बता दिया कि वो कहाँ भी नहीं है, वो मेरे शरीर के भीतर बैठा हुआ है। वो बहुत पछताता है और वहाँ बाद में वो वहाँ जाकर एक दूर जाकर उस गुरु को बोलता है कि गुरु जी मुझे मैं माफ़ कीजिए, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे मेरा शरीर दीजिए वापस। ऑटोमेटिकली उसको एक शरीर धारण होता है, ऑटोमेटिक उसको शरीर धारण होता है, वापस उस गुरु के पास जाता है। गुरु के जाकर मिलता है, गुरु जी आपका धन्यवाद, मैंने साक्षात भगवान को देखा है, जो कहा भी नहीं है, वो हमारे भीतर में बैठा है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों और हम भी ढूंढ रहे हैं, तो ये भगवान कहा भी नहीं है, ये हमारे भीतर ही बैठा हुआ है।